जयप्रदा का सबर टूटा, आजम खान को कहा डरपोक। यूपी के रामपुर में जयप्रदा का सबर टूटा, आजम खान को कहा डरपोक है आजम, मुझे रामपुर से भगाने की कोशिश कर रहा है। आजम साहब, आप डरपोक हो, डरे हुए हो, उसी की वजह से मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हो। जो मेरे ऊपर टिप्पणी की गई है शर्मनाक है। इस तरह का मुझ पर जुल्म करना आजम खान की आदत है। आजम खान जो दिखते हैं वो है नहीं, अंदर का आजम खान जो महिलाओं से नफरत करता है, महिलाओं को उसी नजर से देखता है। एक भाई की नजर से उसने मुझे कभी नहीं देखा, इसलिए आज इस तरह की टिप्पणी की है मुझ पर। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, इनके मानसिकता के इतना खराब है कि वो मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वही प्रयोग कर रहा है, अभी से वो डरा हुआ है। आजम साहब, आप डरपोक हैं, डरे हुए हैं, उसी के वजह से आप इस तरह का बौखलाहट से आप मेरे ऊपर जो टिप्पणी आप कर रहे हो ये सही नहीं है। आज मैं वो जो टिप्पणी किया है उसको कोई आदमी उसको दोहराकर नहीं बोल सकता है, कोई मीडिया वाले दोबारा उसको दिखा के दोहराकर नहीं बोल सकते हैं। तो मैं एक औरत हूं, मैं भी नहीं कह सकती किस तरह का उस टिप्पणी को। वो अभी इस तरह का जुल्म उनके आदत है। आजम खान सब जो दिखते हैं वो है ही नहीं है, अधिकार नहीं है। वो समय पे मोदी जी ने आप लोगों की आवाज सुनकर आप लोगों के मुफ्त में जो गैस कनेक्शन दिया है, आप लोगों को उज्ज्वला योजना है, तो आपको याद होगा कितने लोगों को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला, हाथ उठा के बताइए। काफी लोगों को मिला, इसका मतलब है तो चुनाव के बाद अगर किसी को रह गया हो तो उन सबको मिलेगा। लेकिन इस चुनाव में मोदी जी को जिताना है, लेकिन एक बात याद रखना, जो गठबंधन किया है अखिलेश और मायावती जी, लेकिन मायावती जी को अखिलेश के और मुलायम सिंह जी के सरकार में उनको कितना अपमान किया है। उनको एक नारी होने के बाद भी उनको मेरे जिस तरह मुझे हमला किया है, उनको भी हमला करके एक महिला को बेइज्जत करने की कोशिश किया है।